हफ्ते 10 दिन पहले हम आए थे इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय के नर्सरी में, क्योंकि हमें कहीं से पता चला था कि यहाँ पर बहुत सस्ते दाम में, बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों में प्लांट्स मिलते हैं। नया घर में मुझे जो ग्राउंड गार्डन मिला है उसको हफ्ते 10 दिन पहले ही मैंने तैयार किए थे, और मुझे प्लांट्स की बहुत जरूरत थी, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की जरूरत थी, क्योंकि इस विंटर में मैंने अभी तक बहुत ज्यादा विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं लगा पाई थी। तुरंत पता चलते ही यहाँ पर आ गई। ये देखिए टाइमिंग भी दिया हुआ है, 7 बजे से 12 बजे तक सुबह, और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। ये हमें पहले पता नहीं था, तो बस 12 बजने से 10 मिनट पहले ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और ये देखिए सारे जो फ्लावर्स है, विंटर फ्लावर्स है, उसके नाम दिया हुआ है, पहचान दिया हुआ है नाम के साथ, आप फोटो भी लगी है, ताकि जो दीदी लोग वहाँ प्लांट्स देते हैं वो नाम जो बताएंगे हमें पता हो जाएगी कि ये फूल यहाँ पर मिलते हैं। और ये देखिए इधर जाते ही मुझे ये सारे दिख गए, पॉलीबैग्स में प्लांट्स लगा रहे थे, रिबन ग्रास और कई तरह के पौधे यहाँ पर। ये देखिए तो रेट्स ये लोग एग्जैक्ट बता नहीं पाए, लेकिन जो रेट्स है बहुत कम है, जैसे कि ये बता रहे थे 40, कोई 60, कोई 100, और बहुत सारे प्लांट्स थे, लेकिन टाइम नहीं था, 10 ही मिनट बचा था 12 बजने में। और जो दीदी देने वाली थी वो हड़बड़ कर रहे थे कि भाई इतना देर से क्यों आए हो, तो बस उनके पीछे पीछे मैं चली प्लांट्स की वहां जहां सैपलिंग्स मिलते हैं। तो चलिए हमारे साथ आप भी। नैस्टरशियम दे दीजिए और हॉलीहॉक्स, गेंदा। दीदी दीदी के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए चलते चलते उन्होंने हमसे पूछ लिया कौन कौन से प्लांट्स चाहिए। तो दोस्तों सैपलिंग जहां मिलते हैं वहां हम लोग आ पहुंचे। ये नैस्टरशियम के भरा रहे। हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं बहुत सारे क्यारी बना हुआ है, और सारे क्यारियों में फूलों के पौधे, सब्जियों के पौधे दे लगे हुए दीजिए। हैं। कितना का? 10 का ना कितना का देते हो? ये 10 रुपये 10 का, और ठीक का है। के 12 बार सब भागा थे, तो 12 बजने ही वाली थी और ये बहुत हड़बड़ी कॉसमोस दे रही था, हूँ बहुत मैं। जल्दी जल्दी ले रहे थे हम लोग, क्या चाहिए पूछ रहे थे, और ये मैं कितने बता का रही दिए? थी। दस दस रुपये दस दस का। और दे दीजिए ये वाला। ये और दूसरा कलर है क्या? सब मिक्स आई थी। अच्छा मिक्स ही है, ठीक है। ये कॉस्मोस मिक्स हो ये गया। और हॉली हॉक्स दे दीजिए मुझे। इसका छोटा पौधा मिलेगा क्या? सारे ऐसे क्यारी बना हुआ है और इसमें पौधा लगाते हैं। हॉली हॉक्स ले रही हूँ, ये भी मुझे 10 का ही दे दीजिए। हाँ ये हॉली हॉक्स ले रही हूँ मैं। मिट्टी मत झड़ाना दीदी, मिट्टी झड़ाने से नहीं जगेगा। ये भी 10 ही का दे दीजिए मुझे। दोस्तों आप भी आश्चर्य होंगे कि 10 का कितने सारे पौधे दे रहे हैं। मैं भी आश्चर्य थी कि कितने पौधे दे रहे हैं 10 का, तो आगे मैं बताऊंगी आपको। और ये वर्बीना दीदी, ये वाला कौन सा है? और वो वाला? फाइनली इतना ही दे के, इतना ही प्लांट्स दे के दीदी चली गई, और हम लोग वेट करते रहे अगर कोई मिल जाए प्लांट्स देने के लिए। और तब तक मैं जो दूसरे इधर प्लांट्स थे, तैयार पौधे थे जो सजावट के लिए रखा गया था, उसके वीडियोस ले रही थी, और खोज रहे थे कि अगर कोई और भैया दीदी मिल जाए जो अवेलेबल है, पौधा दे सकते हैं, तो फाइनली हमें मिल गए और पता चला कि थोड़ा देर में आके देंगे। तो इधर मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए कि इतने सारे प्लांट्स और जितने खाली खाली आप देख रहे हैं वहाँ लोग ले चुके हैं, जिनको पता है रायपुर के लोग आके यहाँ लेते हैं। ये देखिए ये है प्याज का, और बहुत सारे जो सब्जी भाजी का भी यहाँ पर अवेलेबल था। और इधर आप देख सकते गुलाब, किस तरह गुलाब यहाँ पर उगाते हैं। और इधर आप देख सकते हैं जो टिथोनिया है, कितने बड़े बड़े साइज के फ्लावर्स खिले हैं। इसके छोटे छोटे पौध मैं लेके आई हूँ, बहुत छोटा छोटा, लेकिन यहाँ तो खिलना शुरू हो गया। ये देखिए जो मिक्स्ड कॉस्मोज है, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सारे धूप में बहुत अच्छे से खिलते हैं,
और गर्मी भर टिथोनिया खिलते रहती है। और इसके बाद आप देख सकते हैं सनफ्लावर, इसके भी कुछ पौधे मैं लेके आई हूँ। अब देखना ये है कि जो पौधे लेके आई हूँ उतना मैं अपने जो जगह है, क्योंकि छोटा सा स्पेस है मेरे जो ग्राउंड गार्डन है, गमले में देखूंगी कुछ लगा पाऊंगी कि नहीं। तो ये देखिए इधर आप देख सकते कितना फूल है, इधर ग्लैडियोलस आप देख सकते हैं, अभी तो सारे नहीं खिला हुआ है, लेकिन कितने पौधे जब एक साथ ये खिलेंगे तो कितने ही ना प्यारे दिखेंगे ये। और इधर देखिए सारे येलो ऑरेंज कॉस्मोस, ये भी पूरा भरा हुआ है एकदम। तो ये अपने जो ये नर्सरी है, पौधे तो बेचती है लेकिन ये लगाते भी है। यहाँ जो स्टूडेंट्स है वो इस पे रिसर्च भी करते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा है जो रायपुर में रहते हैं रायपुर वासियों के लिए, और रायपुर के अगल बगल लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो फाइनली एक भैया आ गए और हमें ये और जो मुझे चाहिए था देख रही थी, तब तक मैं देख चुकी थी क्या क्या प्लांट्स यहाँ मिल रहे हैं। तो सारे ही गेंदा मिल गए यहाँ, गेंदा ग्राउंड गार्डन में बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ गेंदा भी ले ली। और समझ नहीं पा रही थी क्या लूं क्या छोड़ूं, और 10 के, जैसे कि अभी तक आपको मैं नहीं बताई, 10 के 20 पौधे मिल रहे हैं। जब काउंट करते हैं तो 20 से ज्यादा भी हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे से भी कम में एक पौधा मिल जाते हैं। दोस्तों वीडियो अपलोड करने में थोड़ा देरी कर दी मैंने, लेकिन अभी भी अगर आपको चाहिए आप जा सकते हैं, गर्मी के समय भी यहाँ प्लांट्स अवेलेबल है ये बताया गया है, तो अभी भी आप ले सकते हैं। गेंदा वगैरह तो आगे भी चलेगी, अभी भी टाइम है। नेस्टेशियम को आप ले सकते हैं क्योंकि नेस्टेशियम भी थोड़ा देर से खिलता है। डेलिया के पौधे ले सकते हैं, बहुत अच्छे मिलेंगे। और जैसे कि हॉलीहॉक्स के आप ले सकते हैं। और तो इतने सारे पौधे मैं ली हूँ और आप चौंक जाएंगे। ये देखिए कुछ सब्जियों के भी मैं रखी हूँ 5-5 रुपए के, क्योंकि टेरेस गार्डनिंग जो मैंने शुरू करा है वो यहीं के पौधे है, और सिर्फ 5-5 रुपए में मैंने पौधे ली हूँ। और बहुत सारे आप देख सकते हैं, ये सारे जो गमले में है छोटे छोटे, ये सारे प्लांट्स बेचने के लिए रखा हुआ है। कई किस्म के बैगन थे, कई किस्म का मिर्च थे, अलग अलग रेट था, और जो मिनिमम रेट था पॉली बैग में वो 5 रुपीज था। तो फ्रेंड्स यहाँ आइए आप लीजिए, और ये देख सकते हैं जो हैंगिंग बास्केट्स है वहाँ, ये भी सेलिंग के लिए है, प्राइस रेट सब लिखा हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और समय हमारे पास भी कम था क्योंकि बहुत सारे काम छोड़ के गई थी घर का, तो जल्दी रिटर्न जाना था, 1 घंटा टाइम था। और इसमें भी बहुत सारे हमें प्लांट्स मिला, और सेम डे हमें लगाना भी है ऐसे इतने प्लांट्स जब हम लेते हैं। और क्योंकि पॉलीबैग्स के जो प्लांट्स है उसको आप रख सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड से आप सैपलिंग्स लेते हैं कोशिश रहता है कि सेम डे ही लगाए, तभी वो जगने का चांसेस जो रहता है वो 100% रहता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ, और आप अगर आसपास है तो जरूर जाइए, जरूर लीजिए प्लांट्स। यहाँ बहुत सारे आप देख सकते हैं प्लांट्स मिलते हैं, सैपलिंग छोड़ के भी बहुत प्लांट्स है जो बाजार के रेट से काफी कम है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइए, और फलों के भी बहुत प्लांट्स यहाँ पर अवेलेबल थे। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर करें, और फ्रेंड्स शेयर जरूर करें, तभी लोग यहाँ पर आएंगे और खरीदेंगे। आप देख सकते हैं जो आम के कितने सारे वैरायटीज इंडिविजुअल लगा हुआ है यहाँ नाम के साथ। हम लोग जो नर्सरी में जाते हैं वो मिक्स रहता है, पता नहीं चलता। आपको अगर पर्टिकुलर कोई कैटेगरी के आम चाहिए होगा तो उसको आप यहाँ से ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।